बुक जादूनामा? मुझे ऐसा लगता है कि जादूनामा का ये जो लॉन्च हुआ है मुंबई में, जावेद साहब के ऊपर ये जो किताब लिखी गई है अरविंद मंडलोई ने और उसको ट्रांसलेट किया है रक्षंदा जलील ने, उसका इससे बेहतर लॉन्च हो ही नहीं सकता था। हमें उम्मीद थी कि गुलजार साहब और जावेद साहब जब एक साथ एक मंच पे आएंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा, लेकिन इस तरह के स्पार्क्स फ्लाई करेंगे इसका अंदाज़ा नहीं था। और जैसे कि अभिजात जोशी ने कहा कि ये जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें वाकई ऐसा लगा जैसे कि विंबलडन के फाइनल्स हम देख रहे हैं, क्योंकि एक ने फेंका तो उसने पकड़ा, एंड इट वाज जस्ट सच एन इनरिचिंग इवनिंग। आज इतने सारे लोगों ने बहुत बधाई दी है और बहुत मुबारकबाद दी, तो मुझे बहुत खुशी है। जाहिर है मैडम, जिस तरह का ह्यूमर हमें देखने को मिला जावेद साहब का, गुलजार साहब का, आपका, प्लीज़ पॉजिटिव मोड में लीजिए। जिस इस एज में लेके आकर लोग थोड़ा चिड़चिड़ हो जाते हैं, बट आप बताइए कि कैसे इतना अच्छा ह्यूमर हमें। प्लीज एवरीबॉडी आस्क मी एनीथिंग बट द इवेंट। ओके मैडम, शाम थी, गुलजार साहब, जावेद साहब, ऐसा बहुत कम होता है कि दोनों साथ साथ आए। बहुत अच्छा मौका था जावेद साहब की किताब की लॉन्च का, आपने भी उस शाम की खूबसूरती को बढ़ा दिया, एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब हमको पता चला कि जादूनामा जो किताब अरविंद मंडलोई ने बनाई है जिसको रक्षंदा जलील ने अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया, तो जब मैंने किताब देखी थी तो मुझे लगा था कि बहुत अच्छी किताब है, लेकिन जब इसका लॉन्च होने जा रहा था तो जब गुलजार साहब ने अग्री किया, जो कि आम तौर पे इतनी आसानी से मानते नहीं हैं, तो जाहिर है कि एक उम्मीद जागी थी कि ये शायद ख़ास शाम होगी। लेकिन इतनी ख़ास शाम होगी मुझे नहीं लगता कि जावेद साहब और गुलजार साहब को भी पता था, क्योंकि अभिजात जोशी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है कि ऐसा लग रहा था कि विंबलडन फाइनल्स में है, इसके पास जा रहा है, उसके पास जा रहा है बॉल, इट वॉज़ जस्ट वंडरफुल। और मुझे लगता है कि किसी किताब का इस तरह लॉन्च होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हाँ, ऑडियंस ने बहुत इन्जॉय किया, सब कुछ किया, लेकिन आखिरी में हमको इस बात को जानना चाहिए कि लोगों में अभी भी किताब पढ़ने की क्षमता है और ख्वाहिश है। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह के और फंक्शंस हो सकें तो शायद वो बढ़ सके, और इससे मेरी उम्मीद जागती है, क्योंकि आज के माहौल में ऐसा लगता है कि सब अपने प्राइवेट स्क्रीन्स पे कॉन्स्टेंटली रहते हैं और किताबें पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिए। तो अगर ऐसी शाम होती जिसके सब लोग बोल रहे हैं तो उम्मीद तो जागेगी ही। थैंक यू मैम। द बजट इज गोइंग टू कम सून, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू सी, बिकॉज़ गुलजार साहब यू नो अप्रिशिएटेड जावेद साहब फॉर रेजिंग द इशू ऑफ कॉपीराइट, सो व्हाट वुड यू लाइक टू से, व्हाट शुड बी डन फॉर द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन द कमिंग बजट? सी, आई वुड टॉक अबाउट कॉपीराइट बिकॉज़ व्हाट हैज बीन हैपेंड, द लॉ दैट हैज बीन पास्ड हैज रियली चेंज्ड द लाइव्स ऑफ many राइटर्स एंड lyricists टू एन extent दैट यू cannot इवन इमेजिन, बट देर आर स्टिल सम थिंग्स दैट दे स्टिल वॉन्ट, एंड आई होप दैट द गवर्नमेंट विल टेक नोटिस अबाउट इट, एंड देन बिकॉज वॉट दे डन टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ राइटर्स कैन बिकम इवन मोर इम्पॉर्टेंट, एंड आई होप दैट विल कम इन द बजट। थैंक यू। इसी के साथ मैम, इंटरनेट के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में, जब फोन काफ़ी ट्रेंडिंग में रहता है, आप पर्सनली बुक को कितना एंजॉय करते हो, बुक को कितना रीड करते हो? मैं क्योंकि एक ऐसे ख़ानदान से आई हूँ जहाँ मेरे अब्बा कैफी आज़मी राइटर हैं, जहाँ मेरे शौहर जावेद अख्तर, जहाँ मेरे फादर इन लॉ जानेसर अख्तर, सबके सब आई एम सराउंडेड बाय राइटर्स, तो जाहिर है जो लव्स है उसके बहुत ज़्यादा मायने मेरे पास रहते हैं। और मुझे आजकल इस बात का बहुत दुख होता है कि जिस तरह से भाषा बिल्कुल बदल चुकी है और जिस तरह से ज़बान बदल चुकी है और उसके साथ साथ स्पेलिंग्स भी बदल चुकी है, बिकॉज ऐसा लगता है कि किसी पास इतना भी वक्त नहीं है कि आप पूरा लव सुनें, उसको भी आप ब्रेकअप करके और उसका शॉर्ट फॉर्म करते हैं। मतलब जैसे कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेरा नेव्यू कह रहा था के, मैंने कहा के का मतलब 14 साल का है, कहता ओके, तो मैंने कहा तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं कि तुम ओके लिख सकते हो, तो कहता इट्स नॉट कूल। ये जो आइडिया है कि इट्स नॉट कूल, ये सिर्फ एक सेक्शन को है, लेकिन फिर आप मुझे ये बताइए कि जब रेख्ता का इस तरह फेस्टिवल होता है 3 लाख लोग उसमें कैसे इकट्ठे होते हैं, और सब के सब ज़्यादातर 60% जो हैं वो नौजवान लोग हैं, तो कहीं ये डिसकनेक्ट है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी समाज जो अल्फाज से और जो किताब से
पराये हट जाता है वो एक कमजोर समाज होता है. तो आई डू होप दैट पीपल स्टार्ट रीडिंग ऑल ओवर अगेन. थैंक यू. थैंक यू गाइस. थैंक यू.